तो गाइस अगर आपके पास भी कुछ इस प्रकार के पेन ड्राइव हैं और ये आपके खराब पड़ जाते हैं तो आप करते क्या? सिंपल सा फेंक देते। अगर आपके पास ये पेन ड्राइव्स हैं तो अगर ये खराब हो जाते हैं तो कैसे इसको ठीक करना है? जी हाँ, इसको ठीक कैसे करना, आज मैं आप लोगों को ये चीज़ें शेयर करने वाला हूँ। तो काफ़ी ये इंपॉर्टेंट वीडियोज़ है उन लोगों के लिए, ये पेन ड्राइव को यूज़ करते हैं और उनके पेन ड्राइव जी हाँ दिन पर दिन खराब हो जाते हैं। मतलब बहुत सारे ऐसे पेन ड्राइव उनके पास पड़े हुए हैं जो उनको लगा कि यह ख़राब है और उन्होंने कहीं फेंक दिया या कहीं पड़ा हुआ है, तो उसको कैसे ठीक करना है मैं आप लोग को इस वीडियोज़ में आज बताने वाला हूँ। तो ये वीडियोज़ एक टेक्निकल वीडियोज़ है और इस वीडियो की मदद से आप अपने खराब पेन ड्राइव को, या अगर मेमोरी कार्ड आपके पास ख़राब है, सेम प्रोसेस यूज होता है, बस उसमें कार्ड रीडर आप लगा के मेमोरी कार्ड उसमें लगा दो और जो मैं प्रोसेस आप लोग को यहाँ पे बताने वाला हूँ सिंपल सा, उस प्रोसेस को आपको फॉलो करना है। और इसके लिए चाहिए आपको एक लैपटॉप या कंप्यूटर, यहाँ ये एक रिक्वायर्ड है, यहाँ पर सबसे पहला रिक्वायरमेंट चाहिए यहाँ पर लैपटॉप या कंप्यूटर आपके पास होना चाहिए। और उसके बाद कैसे इसको ठीक करना है ये हम आपको इस वीडियोस में आप लोग को बताने वाले हैं। एक एक स्टेप आप बारीकी से देखना इस वीडियोस को, एक ध्यानपूर्वक देखो वीडियोस को, तो ही आप सारी चीज़ों को सीख पाओगे। और अगर आपके पास एक पेन ड्राइव या किसी के पेन ड्राइव को अगर ख़राब हो जाता है, उसको आप अगर ठीक भी करते हो तो उससे बहुत अच्छे पैसे भी आप कमा सकती हो। जब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर कहते हैं यार मेरा पेन ड्राइव खराब हो गया बना दो, तो अगर आप उनकी पेन ड्राइव को बना देते हो, जो मैं यहाँ पे तरीका बताने वाला हूँ, तो इसकी मदद से, इस वीडियो की मदद से आप कुछ अर्निंग भी कर सकते हो, अपने पॉकेट खर्च भी निकाल सकती हो। तो ये वीडियोस काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस है और इस वीडियोस पे आपको बने रहना है क्योंकि इस वीडियोस में एक प्रॉपर, एक नॉलेजबल, एक टेक्निकल जी हाँ जानकारी आपको मिलने वाली है। तो आगे मैं वीडियोस में बढ़ूँ, उससे पहले मैं चाहूँगा हमेशा की तरह यार चैनल को आपने सब्सक्राइब भी किया फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में वीडियोस को लाइक कर देना। तो चलते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे और जानते हैं सारी चीज़ों को कैसे क्या क्या करना है। एक एक स्टेप को मैं फिर से बोलना चाहूँगा, आपको ध्यान से देखना है। और भाई सबसे पहले करना है कि आपको पेन ड्राइव को लगा देना है। हाँ, हमने पेन ड्राइव को लगा दिया, लेकिन इसके बाद अगर मैं यहाँ पर देख रहा हूँ तो ये पेन ड्राइव यहाँ पर करप्ट नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हो वो शो नहीं कर रहा है फाइनली। तो फाइनली इसको कैसे ठीक करना, चलिए हम देखते हैं और क्या प्रोसेस आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा। और जो मैं प्रोसेस यहाँ पे बताने वाला हूँ सेम, अगर आपके पास मेमोरी कार्ड है, एसडी कार्ड, तो उसमें भी सेम प्रोसेस काम करेगा, बट आपको वहाँ पे कार्ड रीडर लगा के उस मेमोरी कार्ड को अटैच करना होगा अपने पीसी लैपटॉप से। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं इसको ठीक कैसे करना है। हाँ दोस्तों, यहाँ पे आपका पेन ड्राइव में जितने भी डेटाज होंगे वो सारे डिलीट हो जाएंगे। और जैसा कि मैं बात करूँ, अगर पेन ड्राइव से किसी डेटा को डिलीट हो जाता है तो उसको कैसे वापस लेना है, इससे रिलेटेड ऑलरेडी मैंने पहले ही वीडियो बना के डाल चुका हूँ, चैनल पे आप जाकर चेक कर सकते हो। जी हाँ, हमारे चैनल को, वहाँ पे आपको कैसे बैकअप निकालना उसकी वीडियो अवेलेबल है, तो आप उसको देख सकते हैं। फिलहाल तो मैं इसको ठीक करके आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। देख लो, अभी ये शो नहीं कर रहा है यहाँ पर माई कंप्यूटर में, मैं देखता हूँ तो गाइस करना क्या है आपको, सबसे पहले तो आपको सर्च बॉक्स में आ जाना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है CMD। जी हाँ, CMD जैसे ही सर्च करोगे इस पर राइट क्लिक करना है और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर का जो ऑप्शन आपको मिलेगा उस पर क्लिक कर देना है। जस्ट आपके सामने यहाँ पे एस का एक ऑप्शन आएगा, सिंपल है यस क्लिक कर देना है, एक पॉपअप आएगा। अब यहाँ पे आपको कमांड जी हाँ लिखने के लिए एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको कुछ कमांड को टाइप करना है, चलिए इसको मैं थोड़ा सा मैक्सिमाइज कर लूँ। अब यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ, सबसे पहले आपको टाइप करना है लिस्ट डिस्क, उसके बाद एंटर प्रेस करना है। सॉरी यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो अगर नहीं आता इस तरह से आप यहाँ पे लिखना DIS डिस्क PART डिस्क पार्ट, उसके बाद एंटर करना है। अब इसके बाद लिखना है LIST लिस्ट डिस्क, आ चुका है। अब इसके बाद आपको टाइप करना है यहाँ पे उस पेन ड्राइव को सिलेक्ट करना है जो यहाँ पे आपका करप्ट हो गया है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो 32 GB का मेरा पेन ड्राइव था जिसमें 28 GB होता है, आपको भी पता होगा। तो सिंपल सा जो हमारा पेन ड्राइव है जो शो नहीं कर रहा हमारे पीसी लैपटॉप में, वो यहाँ पे डिस्क नंबर 2 पे है, देख सकते हो यहाँ पे। तो डिस्क यहाँ पे लिखना है सिलेक्ट डिस्क 2, तो चलिए यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ सिलेक्ट डिस्क स्पेस 2, उसके बाद यहाँ पे इंटर करना है। देख सकते हो यहाँ पे लिख चुका है कि डिस्क 2 इज नाउ द सिलेक्टेड डिस्क। ओके, अब यहाँ पे आपको टाइप करना है क्लीन, CLEAN क्लीन करना है, इसका फिर इंटर क्लिक करना है। तो यहाँ पे देख सकते हो डिस्क पार्ट सक्सेसफुल इन क्लीन द डिस्क। अब यहाँ पे फाइनल जो है आपको यहाँ पे टाइप करना है
क्रिएट पार्टीशन। ओके, प्राइमरी। ओके, तो यहाँ पे क्रिएट पार्टीशन प्राइमरी, उसके बाद सिंपल सा यहाँ पे इंटर कर देना है। यहाँ पर देख सकते हो जो डिस्क पार्ट इज क्रिएटेड प्राइमरी सिलेक्टर हो चुका है। अब इसके बाद यहाँ पे आपको जाना है अपने माई कंप्यूटर को ओपन करना है। चलिए मैं यहाँ से ओपन करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो हमारा यहाँ पे पेनड्राइव शो होना स्टार्ट हो चुका है। अब इस पर आपको राइट क्लिक करना है और यहाँ से आपको फॉर्मेट का ऑप्शन क्लिक करना है। ऐसे तो जैसे ही यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा ये क्रिएट पार्टीशन प्राइमरी, उसके बाद आ जाता है पॉपअप, लेकिन नहीं आता है तो आपको माई कंप्यूटर में जाना है और सिंपल सा मैं फिर से बता दूँ, यहाँ पे उस पेन ड्राइव को सिलेक्ट करना है जो यहाँ पे आपको शो करेगा, उस पर राइट क्लिक करके यहाँ पे फॉर्मेट का ऑप्शन क्लिक करना है, चूज करना है और यहाँ पे आपको बस यहाँ पे फॉर्मेट स्टार्ट कर देना है यहाँ पे, उसके बाद ओके। बस इसके बाद आपके पेन ड्राइव में जितने डेटा वो उड़ जाएंगे और आपका एक पेन ड्राइव और जो मेमोरी कार्ड अगर आप कर रहे हो तो वहाँ पे जहाँ सही होकर करप्ट पहले जो था वो शो नहीं कर रहा था, उसमें प्रॉब्लम थी, वो यहाँ पे रिपेयर होकर आपके सामने आ जाता है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो ये आ चुका है। अब यहाँ पे मैं इसको ओपन करूँगा, ये खुल भी रहा है। तो गाइस आपने देखा कितनी आसान तरीके से हमने आप लोग को यहाँ पे बताया कि किस तरह से आपके पास अगर पेन ड्राइव हैं या मेमोरी कार्ड है, अगर वो खराब पड़े हुए, आपको लगता है कि वो खराब पड़ गए हैं, उसको आपने फेंकने का मन बना लिया है, तो उसको सिंपल सा जो मैंने तरीका बताया इसकी मदद से उसको आप ठीक कर सकते हो, उसको जी हाँ बना सकते हो उस पेन ड्राइव को, उस मेमोरी कार्ड को। आई होप वीडियो से आपको काफ़ी नॉलेज मिली होगी, काफ़ी जानकारी मिली होगी। वीडियो अच्छा लगा तो मैं चाहूँगा वीडियोस को लाइक करना और इस तक वीडियो और मैं आप लोग के लिए बनाऊं और इस चैनल पर डालूं तो यार मुझे कमेंट्स करके मुझे जरूर बताना। उससे इस तक वीडियो मैं हमेशा लेके आता हूं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना जिससे वीडियोज़ की जानकारी आपको मिल सके, साथ में घंटी को दबा देना। हाँ, वीडियो अच्छा लगा तो मैं फिर से पहुँचाऊँगा, वीडियोज़ को लाइक करना। थैंक्स, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टाटा।